हेलो गाइज, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं हूँ तुषार भूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं रिलेशन के बारे में और ये हमारा लेक्चर नंबर 3। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुका है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम जो लेक्चर 2 में रिलेशन के बारे में पढ़े थे वो सिर्फ हम एरो डायग्राम के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज हम रिलेशन कैसा होता है और उसके बेस्ट पे हम क्वेश्चन कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। विथ एरो डायग्राम भी हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलेशन जो होता है, यहाँ पे रिलेशन का हमें क्या करना है, रिलेशन जो दिया हुआ होता है वो आर ऐसे करके दिया हुआ होगा और यहाँ पे आपको लिखा होगा एक्स वाई एंड हियर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या कहाँ पे दिखा रहा है, ये है आपका रिलेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो y का जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू प्लस 1 होगा और वो होगा y का वैल्यू। वो आपको कौन से ऑर्डर में लिखना है, पहले x का वैल्यू लिखना है उसके बाद y का वैल्यू लिखना है। और आपको एक सेट दिया होगा, यहाँ पे मान लीजिए ए सेट दिया है। ए सेट में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो इतना दूर तक आपको एलिमेंट दिया है, यहाँ पे 10 तक एलिमेंट दिया है, 1 से 10 तक आपको एलिमेंट दिया है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन के बेसिस पे रिलेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइन करेंगे हम ऐसे, डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, यहाँ पे दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अगर हम x को अगर मान लीजिए इफ x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 होगा। फिर इफ x इक्वल टू 2 अगर हम मानेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 1 3, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमें करना है। तो यहाँ पे अभी हम सीधा लिखते हैं पेयर में, और पेयर में लिख देते हैं अभी यहाँ पे हम 1 2 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया है कि हमें किस फॉर्मेट में लिखना है। x पहले होगा, x का वैल्यू आपको पहले लिखना है, बाद में y का वैल्यू आपको लिखना है। तो वैसे ही x का वैल्यू यहाँ पे 1 हुआ तो y का वैल्यू यहाँ पे 2, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर यहाँ पे 2 3, फिर यहाँ पे 3 4, फिर यहाँ पे 4 5, फिर यहाँ पे 5 6, फिर यहाँ पे 6 7, फिर यहाँ पे 7 8 हो गया, 7 8, फिर यहाँ पे 8 9, फिर यहाँ पे 9 10। और यहाँ पे 10 और 11 आप क्यों नहीं लिख सकते कि क्योंकि यहाँ पे जो 9 और 10 है, 10 तक यहाँ पे एलिमेंट दिया है, लेकिन आप 10 को अगर x कंसीडर करोगे और y अगर होगा तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें सेट में गिवन नहीं दिया है। तो इतना दूर तक आपको सिर्फ करना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 11 दिया होता तो हम 10 और 11 का एक पेयर बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर 11 तक दिया है और 11 प्लस 1 12, तो 11 12 का हम पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि 12 जो है यहाँ पे उस टाइम में नहीं होगा, यहाँ पे 12। तो ऐसे ही हमें इसका बनाना है ये। और उसके बाद हमें यहाँ पे रिलेशन कैसे दिखाना है इसका, तो एरो डायग्राम हमें गिवन क्वेश्चन में दिया होगा। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे पहले 2 लाइन दे देंगे। आप पहले इसको क्या करेंगे, ट्राई करिए, उसके बाद हम बनाएंगे एरो डायग्राम। इसको फिर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। तो इसके बाद अब हमें देखते हैं यहाँ पे कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे कितना तक एलिमेंट दिया है, हमें 10 तक एलिमेंट दिया है ए सेट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, एलिमेंट 10 तक लिखना है, 10 तक लिखना है। यहाँ पे भी एलिमेंट 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो यहाँ पे हमें अभी पेयर का यहाँ पे दिखाना है आपको। तो 1 2 दिया है तो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 2। फिर 2 3 दिया है, फिर 3 4 दिया है, फिर 4 5 दिया है, फिर 5 6 दिया है, फिर 6 7 दिया है यहाँ पे, फिर 7 8 दिया है, फिर 8 9 दिया है, फिर 9 10 है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे फिर होगा 9 10 हो गया। तो ये आपका एरो डायग्राम यहाँ पे बन गया। तो रिलेशन का ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लिए, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। पहले आप ये भी फिगर भी ड्रॉ कर लीजिए और नोट बना लीजिए। तो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 के ए साइड में क्या दिया है, यहाँ पे ए साइड में दिया है आपको 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तक आपको एलिमेंट दिया है, 1 से 7 तक। और रिलेशन आपको क्या दिया है, यहाँ पे XY फॉर्मेट में हमें लिखना है यहाँ पे। और रिलेशन क्या दिया है, 3x - y = 0 दिया है। तो पहले आप ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 3x - y = 0। तो यहाँ पे 3x और -y जो है, -y इस साइड आने से क्या होगा, +y होगा। तो 0 + y फिर 3x = y। तो ये आपको रिलेशन यहाँ पे मिल गया। देखो तो x जो होगा, x का वैल्यू जो होगा उसका 3 टाइम्स होगा किसका वैल्यू, y का वैल्यू। इतना दूर तक बात क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे पहले 1 दिया है, तो इस साइड में तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे। इफ x = 1 सो y = 3x। तो 3 × 1 = 3। तो 1 अगर x का वैल्यू होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, 2 दिया है। इफ x = 2 y = 3x। तो 3 × 2 3 2 6 6 दिया है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 3 का वैल्यू। 3 का हम x का वैल्यू लेंगे, 3 को हम x का वैल्यू ले जाएंगे। तो इफ x = 3 तो यहाँ पे y = क्या होगा, 3x। तो 3 × 3 3 3 9। तो ये पेयर हम बना सकते हैं क्या, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कि हमें ए सेट में गिवन नहीं दिया है। तो ये जो पेयर होगा ये हम बना नहीं पाएंगे, ये 2 पेयर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे हम रिलेशन, क्या मिला हमें यहाँ पे पेयर रिलेशन, क्या मिला यहाँ पे हमें पेयर। फर्स्ट तो पेयर मिला 1 और 3, सेकंड पेयर मिला 2 और 6। तो यहाँ पे हमें 2 पेयर सिर्फ मिला यहाँ पे, हो गया। तो अभी हम इसको एरो डायग्राम में शो करेंगे। ये तो हमारा नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। तो एरो डायग्राम में हम अभी शो करेंगे इसको, हो गया। यहाँ पे कितना दूर तक है, 1 2 3 4 5 6 7 तक है ना। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपको रिलेशन यहाँ से ये फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को आपको शो करना है एरो डायग्राम के तहत। तो यहाँ पे 1 और 3 है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3। फिर 2 और 6 है, 2 और 6। इतना ही आपको यहाँ पे दिखाना होगा, क्योंकि 1 1 3 और 2 6 सिर्फ हमें पेयर मिला है यहाँ पे, हो गया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसमें हमारा आज का लेक्चर भी होता है एंड हमारा आगे का लेक्चर आता रहेगा। आप लोग प्लीज़ देखते रहना, लाइक करते रहना, और मेरे चैनल में जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।